Assalamu alaikum, students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your science teacher, Miss Amna Mehmood class 5. Today, I will discuss about physical and chemical changes of matter. This is of your new chapter, Physical and Chemical Changes of Matter. What is matter? First, we uh, will learn. वट इज़ मैटर मैटर एनी थिंग इन द यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ मैटर हर चीज़ जो दुनिया में है जो यूनिवर्स में है वो मैटर से मिलकर बनी है वो मैटर ही है एक्चुअल में मैटर इज एनी थिंग दैट हैज एन जो जिसका वेट हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करें हम उसको कहते हैं मैटर अब स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है सॉलिड लिक्विड गैस ठीक है और इन सॉलिड लिक्विड गैस की जो स्टेट्स हैं इन जो ये फोर्थ थ्री स्टेट्स हैं इनमें चेंजेस होती रहती हैं कोई कभी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है लिक्विड सॉलिड में ल, जो है वो लिक्विड गैस में तो ये चेंजेस होती ही रहती हैं मैटर में ठीक है तो हमने पढ़ना है कि मैटर में जो चेंजेस है वो ऑल द टाइम होती हैं अब कुछ पिक्चर्स उसने दिए हैं जैसे बॉयलिंग वाटर क्रस्ट कैन रस्टिंग ऑफ आयरन बर्निंग ऑफ कैंडल दिज और ऑल द मैटर्स एंड चेंजेज अकर इन द इन दीज पिक्चर्स यू विल सी यू कैन सी हेयर ठीक है आप देख सकते हैं तो कि इसमें चेंजेस होती रहती हैं ये फ़िजिकल कोई फिजिकल चेंज है फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो uh, कौन सी चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वह कैमिकल चेंज है ठीक है क्रश्ड कैन बॉइलिंग वाटर फिज़िकल चेंज है बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या है फिज़िकल चेंज है अब मैं बताती हूँ आपको फिज़िकल चेंज होता क्या है फिज़िकल चेंज फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज अ चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस ऐसा चेंज इसमें नया सब्स्टांस ना बने उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज है ठीक है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है उसका साइज़ शेप और स्टेट भी चेंज हो जाती है साइज़ में साइज़ पहले छोटा था फिर पहले बड़ा, बड़ा था फिर छोटा हो सकता है शेप शेप जो है वो कोई और सी शेप चेंज हो जाती है स्टेट पहले अगर सॉलिड में था वो लिक्विड में चेंज हो गया लिक्विड में तो वो सॉलिड में इस तरह इनकी शेप्स में साइज में और जो है वो स्टेट में चेंज आ सकता है लेकिन इससे नया सबस्टांस नहीं बनेगा वो चेंजिस में कोई न्यू ट्रांसफॉर्म ना हो उसको हम क्या कहते हैं फिजिकल चेंज ठीक है ये डेफिनेशन है फिजिकल चेंज की फिजिकल चेंज की डेफिनेशन यहां से जो है फिजिकल चेंज ठीक है ये अपने डेफिनेशन याद कर लेनी है उसके बाद है द पार्टिकल्स रिमेन द सेम एज द टोटल मैस ऑफ द सबस्टांस डस नॉट चेंज इसमें जो पार्टिकल्स uh, हैं वो भी सेम रहते हैं और जो टोटल मैस है वो सब्सटांस का वो भी चेंज नहीं होता अब इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ से आपने करनी है कटिंग ऑफ वुड आप वुड को कट कर लोगे ठीक है उसमें एक नया सब्सटांस नहीं बना ठीक है मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम आइसक्रीम पहले इन सॉलिड फॉर्म में थी देन चेंज इन टू द लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में अगर वो आ गई तो उसमें एक नई चीज़ नहीं बनी बल्कि उसकी स्टेट शेप या साइज़ जो है वो उसमें उनमें चेंजेस आई होंगी ठीक है जैसे के पहले वो सॉलिड में थी ठीक है और फिर वो लिक्विड में चेंज होगी जब वो मेल्ट हो गई तो ये क्या है स्टेट में चेंज है और जब स्टेट में चेंज है तो वो क्या है फिजिकल चेंज लेकिन इनमें नया सब्सटांस नहीं बना तो ये क्रश्ड कैन है क्रशिंग ऑफ कैन कैन की पहले शेप और तरह थी जब उसको क्रश कर लिया वो शेप किसी और शेप में आ जाएगा ठीक है मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो ये क्या है वो सबस्टांस वो चीज वो चेंज जिसमें जो है वो नया सब्सटांस ना बने वो चेंज असल में एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है वो चेंज अ चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांसिस फॉर्म इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज इसमें एग्जांपल्स आपने कर लेनी है नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल चेंज की नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि रिवर्सिबल होता है इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं इसमें चेंज आते हैं जैसे कि मेल्टिंग फ्रीजिंग वेपरेशन कंडेंसेशन ये सारी क्या है फिजिकल चेंज और ये रिवर्स हो सकती हैं उसने एक एग्जांपल हमें दी है डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर आपने सॉल्ट और शुगर को लेना है उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है यू कैन गेट द सल्ट बैक आप अगर आपने सॉल्ट को वन ग्लास ऑफ वाटर में ऐड किया है आप उस को और वाटर को अलग करना चाहते हो तो आप एक वेपरेशन प्रोसेस होता है उससे जो है वो आप उसको वेपोरेट कर दोगे ठीक है उसको ड्राई कर लोगे ड्राई करके आप जो है वो आपको सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा तो ये ड्राइंग आउट के प्रोसेस से आप जो है वो सोल्यूशन को सॉल्ट सोलूशन जो है वो उसके सोल्यूशन में से सॉल्ट को जो है वो सेपरेट कर सकते हो ठीक है ये देखें वुड कटिंग कट इनटू टू प्लांक्स ठीक है जो है वो वुड को कटिंग की है यानी कि वुड की कटिंग की है एक नया सबस्टांस जो है वो नहीं बना बल्कि इसको ही कट किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है ये देखें डिज़ोल्विंग जो है वो सोल्ट इन वाटर इसको डिज़ोल्व किया हुआ सोल्ट को वाटर में तो ये भी क्या है ये फिजिकल चेंज है अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटांसेज फॉर्म इज कार्ड फिज़िकल चेंज फिज़िकल चेंज जो है वो इसमें इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं डिज़ोल्विंग सोल्ट इन वाटर कटिंग ऑफ वुड कटिंग ऑफ पेपर ठीक है ब्रेकिंग ऑफ एग तो ये जो है वो ब्रेकिंग ऑफ़ एग भी एक फ़िज़िकल चेंज ही है क्योंकि एग ब्रेक हुआ है ठीक है लेकिन अगर वो एक नया सब्सटेंस नहीं बना हाँ कुकिंग ऑफ़ एग होगा तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा ठीक है तो इस तरह जो है वो आपने याद कर लेना है इसमें इसकी आपने जो है वो डेफिनेशंस करनी है यहाँ से ठीक है और उसकी जो है वो ये देखें फिज़िकल चेंज की आपने डेफिनेशन कर लेनी है इसकी आपने example से याद कर लेनी है बस आपने भी इसमें यही करना है और एक पॉइंट और है जो कि आपने करना है वो ये है कि इसमें आपने कहना है फिज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज होता है ठीक है उसके बाद ये उसने एक एग्जाम्पल ये है ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है और ये कर लेनी है ठीक है उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी ठीक है अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू